पैन में हम 2 बड़े टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। आप कोई भी ऑयल डाल सकते हो इसमें। हम अभी यहाँ पर जीरा डालेंगे। तो हम हल्का ब्राउन होने तक पकाएंगे। यहाँ पर हम अदरक डालेंगे। अभी हम 4 या 5 टमाटर जो मिक्सी में हमने पीस कर रखे हुए हैं उनकी ग्रेवी डालेंगे इसमें। आप चाहो तो इसको मिक्सी में बहुत अच्छे से पीस सकते हो। हल्दी डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये सब मसाले डाल सकते हो। ये गरम मसाला है और साथ में मैं यहाँ पर नमक भी डाल दूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हल्दी, नमक, मिर्ची और गरम मसाला डाल सकते हो। आप सब्जी मसाला भी डाल सकते हो इसमें। तो मिक्स करेंगे हम इसको, बहुत अच्छे से पकाएंगे। हमें इसको बहुत अच्छी तरह से पका लेना है। हम इसमें हरी मिर्ची भी डाल देते हैं। मैंने 5 कर रखी है। अभी हम मैं इसे और पकाऊंगी, फिर से इसको ढक कर रख देती हूँ। इसमें पानी ऐड करेंगे 1/2 या 1 गिलास। आप अपना जितना भी इसे गाढ़ा या पतला रखना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग हम इस ग्रेवी में पानी डालेंगे और इसको और अच्छे से पकाएंगे। अभी हम 5-7 मिनट के लिए ढक कर रख देती हूँ फिर से मैं इसको। अभी इस ग्रेवी को पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं यहाँ पर इसमें जो बॉईल किए मैंने आलू रखे हुए हैं, आप भी अपने जितना आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग 3-4 या जितना भी आप बनाना चाहते हो वो आलू इसमें ऐड कर देंगे हम। अभी हम इसको फिर से पकाएंगे। क्योंकि हमें ये गाढ़ा होने तक पकानी है और इसमें हम आलूओं को भी मैश करते रहेंगे बीच में। ये मेरे बॉयल आलू हैं, तो आप भी इस तरह से जो पूरी भाजी खाते हैं हम आलू वाली, तो वो मैंने यहाँ पर बनाई है, आप भी इस तरह से बना सकते हो। अभी मैं इसे पकाऊंगी और इसको इसमें मैश भी करूंगी थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का। मैं इसको यहाँ पर 8 से 10 मिनट पकाने वाली हूँ। आप भी इस तरह से जो पूरी या परांठे के साथ आलू भाजी बनाना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल और आसान से इस तरह से बना सकते हो। अभी मैं इसको ढक कर रखने वाली हूँ 8 से 10 मिनट के लिए। हमारी आलू की सब्जी टेस्टी सी रेडी हो गई है, जिसमें कि प्याज और लहसुन नहीं है। सिंपल है ये, बहुत इजी है, टेस्टी है। आपके पास घर में जब कुछ नहीं है तो आलू और टमाटर से आप इस सब्जी को बना सकते हैं। अगर आप कोई और वेजिटेबल ना ला सकते हो और आपके पास यही चीज़ें हों तो उनसे खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। ये आप पूरी परांठा के साथ खा सकते हो, रोटी के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है। तो इस तरह से आप सब्जी बनाइए, बहुत ही सिंपल, ईजी है, टेस्टी है और आपको मज़ा आ जाएगा खाकर। इतनी ये मज़ेदार होती है, इतनी चटपटी सब्जी मैंने बनाई है। काफ़ी इसमें अच्छे से मसाले डाले हैं ताकि खाते हुए बहुत ही मज़ा आए। तो आप भी इस तरह से बनाकर खाइए आलू टमाटर की सब्जी, जो कि बहुत ही टेस्टी है। स्पेशली पूरी के साथ और परांठे के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है। हम इसे रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू गाइस।